हेलो शेखर सुमन सर बात कर रहे हैं। हाँ जी नमस्कार सर, सर मैं योगेश बात कर रहा हूँ लोकमत से। हाँ बोलिए। सर जो आज अचानक खबर आई कि श्रीदेवी जी का निधन हो गया सर, उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहिए थी छोटी सी। क्या पूछे सर, अचानक उनका जाना और ये बॉलीवुड के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सर कितना बड़ा मतलब आघात है या धक्का है? नहीं बहुत मतलब एक तो श्रीदेवी एक तरह से कह लीजिए कि आधारशिला थी, एक बहुत मजबूत स्तंभ थी फिल्म इंडस्ट्री की। उनके जाने से पूरी की पूरी इमारत जो है वो ऐसा लग रहा है ढह गई है, चरमरा गई है। ये आज सुबह आज दुखद इस दुखद समाचार के साथ ये आज की सुबह की शुरुआत हुई, जो बिल्कुल एक मनहूस ऐसा लग रहा है कि मनहूस सुबह है कि इतनी बुरी खबर जो अपने साथ लेके आई। और सुनने में जितना ये अजीब लग रहा है कि अब श्रीदेवी जी का निधन हो गया है या श्रीदेवी जी नहीं रही, उतना ही ये खतरनाक है क्योंकि ये हकीकत है कि वो अब नहीं रही, हमारे बीच नहीं रही। लेकिन फनकारों की एक बात और कलाकारों की एक बात अच्छी ये होती है कि वो चले जाते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा काम अपने पीछे और इतना खूबसूरत काम अपने पीछे छोड़ जाते हैं जिसके जरिए पूरी जिंदगी और जब तक ये दुनिया बसी रहेगी तब तक लोग उनको उनके काम के हवाले से, उनके काम के जरिए, उनके किरदारों के जरिए, जिस तरह से वो नाचती थी, बोलती थी, जिस तरह से वो थिरकती थी, जिस तरह से उनका अभिनय था, उनको हमेशा याद रखेंगे। श्रीदेवी जी हर हिंदुस्तानी के दिल का हिस्सा थी, इसलिए हर हिंदुस्तानी आज थोड़ा थोड़ा मर गया है, हर हिंदुस्तानी का दिल थोड़ा थोड़ा का हिस्सा जो है वो बर्बाद हो गया है। जाने वाले को आज तक कोई नहीं रोक पाया है, लेकिन असामायिक आकस्मिक मृत्यु जो है वो ज्यादा दुख देके जाती है, अगर किसी दुर्घटना में या उम्र की वजह से अगर ऐसा हो जाए। लेकिन इतनी कम उम्र में उनका इस तरह से चले जाना, वो भी दिल के दौरे से, वो बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही दुखद और शब्दों में आप बयान नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ जल्दी हुआ कि उसको जब्त करना ही मुश्किल हो रहा है, उसको समझना ही मुश्किल हो रहा है कि ये सच है, हकीकत है कि अभी तक हम कोई बुरा ख्वाब देख रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद शेखर जी लोकमत से बात करने के लिए। आपने ठीक कहा कि श्रीदेवी तो चली गई लेकिन उनके जाने का दुख हमारे साथ हमेशा रहेगा ऐसा लगता है। धन्यवाद। थैंक यू।